जो आप प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, इसका क्या मुख्य कारण है? नमस्कार, मैं रवि लीलाल, तहसील बसंतगढ़ के निवासी हूँ। मैं आज इस जो हम जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसका हमारा एक ही मकसद है कि हमारे पिछले दिन तहसील एडमिनिस्ट्रेशन में एक पटवारी, जो पटवार हल्का मंग का है, उसने जो हमारे एक भाई को किस तरीके से कास्टिज्म सिस्टम पर बदनाम किया, उसको सिर्फ कास्टिज्म के नाम पे नहीं बल्कि एक महाशय कह के उसको जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं इसको बहुत ही कंडेमेबल समझता हूँ कि ये एक पटवारी होके एक ऑफिस में बैठ के ये हमारे लोगों के साथ किस तरीके से अन्याय देंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं एलजी मनोज सैना से और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे फार फ्लांग एरिया डुड्डू बसंतगढ़, जो जम्मू कश्मीर का सबसे पुष्विंदा एरिया का है, वो है डुड्डू बसंतगढ़, लेकिन आज यहाँ हो क्या रहा है, एक पटवारी और वो इस तरीके से हमारी कम्युनिटी पे, हमारी कास्टिज्म पे क्वेश्चन कर रहा है और इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। मैं उसको इस आपके प्रेस मीडिया के सामने उचित नहीं समझूंगा कि एक पढ़े लिखे लोग और एक गरीब लोग, जो हमारे लोग किसी एक एप्लीकेशन लेके दो दो महीने पटवारियों के पीछे फिरते हैं और उसका रिजल्ट जो मिलता है उसको बदनामी और उसको एक जलालत जो होता है वो दिखा के बाहर निकाला जाता है। मैं जनाब किसी भी कंडीशन में इसको बख्शने के काबिल नहीं हूँ, बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि जो आज पिछले दिन एक वीडियो भी है हमारे पास पड़ी हुई है कि पटवार हल्का मंग के पटवारी ने जो कास्टिज्म पे क्वेश्चन किया, क्योंकि हम बसंतगढ़ के लोग, चाहे वो माशा कम्युनिटी से है, चाहे वो मे कम्युनिटी से है, चाहे वो चमार कम्युनिटी से है, चाहे वो गद्दी कम्युनिटी से है, चाहे वो सिपी कम्युनिटी से है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, हम एक भाईचारा का संदेश आज तक देते आ रहे हैं और हमारा आइंदा के लिए भी यह प्रयास रहेगा कि हमारे भाईचारे को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो हमारे भाईचारे को, लेकिन जो दूर दराज से उठाए हुए ये पटवारी, जिनको नहीं कहीं जगह होती है वो बसंतगढ़ तहसील में भेज दो, जिनको कहीं और स्टेशन नहीं है उनको बसंतगढ़ में लिए, बसंतगढ़ के लोगों के ऊपर धब्बा है। क्योंकि आज मैं सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो अच्छी अच्छी कुर्सी पे बैठे हैं, क्या ये ऐसा अच्छा बोलना उनका उचित है? क्या वो हमारी कम्युनिटी पे ये सवाल कर सकते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस चीज को बर्दाश्त, आज का जुगा जो बसंतगढ़ का है वो किसी भी कंडीशन में इस तरीके की अभद्र भाषा को जो है वो समझ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमारा बसंतगढ़ एक इतिहास रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करता है। देखिए, मैं जो आपको पिछले कल की एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, एक हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है, बड़ा बड़ा दुख होता है कि सर भाई इस तरीके से अगर कहीं भी अच्छा नहीं समझता कि हमारे सभी बहनें बहनें देख रही हैं, माताएं देख रही हैं, ये क्या शुरू में क्या कह रहे हैं वो, ये क्या, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा बैड लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रही है, क्या है? मुझे दुख होता है कि इस तरीके से मुझे, लेकिन आज आप मीडिया के सामने मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक पटवारी हमारे बसंतगढ़ में रह के, जिसको गवर्नमेंट हमारे टैक्स से जाके जो पे मिलती है वो हमारे सर्वेंट हैं, लोगों के सर्वेंट हैं, हमारी गवर्नमेंट ने और गरीब जनता की सेवा के लिए भेजे हैं, लेकिन आज उनको, हमारी गरीब लोगों को कुचला जा रहा है। क्यों कुचला जा रहा है? क्योंकि हम ये किसी भी कंडीशन में बख्शे नहीं, क्योंकि हमारे बसंतगढ़ का एक इतिहास है, हम सब लोग जो है एक भाईचारा का पैगाम देते हैं सब लोगों को कि हम भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन आज बड़ा दुख हो रहा है कि एक तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में ये हो रहा है। क्या तहसीलदार साहब को इसका संज्ञान? मैं मानता हूं कि तहसीलदार साहब जो है वो अच्छे अफसर हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन मैं तहसीलदार साहब को भी इस वीडियो के माध्यम से क्या देना चाहता हूं कि साहब आप शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम नहीं किए हुए हैं, आज आपको जो गलत यूज कर रहे हैं ये पटवारी लोग, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आम जनता जो जानती है, कोई बोले या ना बोले, लेकिन हमारे लोगों को कुचला मत किया करो, क्योंकि हमारे एसडीएम साहब हैं, अच्छे हैं, नाइस पर्सन है, हम कैसे बोले कि एसडीएम साहब अच्छे नहीं है? एसएचओ साहब हैं, वो लोगों का भला कर रहे हैं, तो हम कैसे बोले कि एसएचओ साहब अच्छे नहीं है? बताइए ना आप लोग कैसे हैं, नहीं अच्छे? लेकिन ये किसी भी तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या
जो गवर्नर इंतजामिया है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की करती है, तो हम आगे से कोर्ट का रुख भी अख्तियार करेंगे। अगर कोर्ट से हमें फैसला भी लेना पड़ेगा तो वो अन्याय करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि किसी से भेदभाव नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपने खुद देखा कि कितना भेदभाव कर रहे हैं आज, किस तरीके से दलित पिछड़े लोगों को जो है, बैकवर्ड एरिया के लोगों को, चाहे वो गद्दी कम्युनिटी से है, चाहे वो माशा कम्युनिटी से है, चाहे वो चमार कम्युनिटी से है, चाहे वो मे कम्युनिटी से है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको किस तरीके से कुचला जा रहा है, क्योंकि ये एक तहसील ऑफिस में बैठे हुए अफसरान के साथ मिलके और किस तरीके से किए धंधा गिरदी कर रहे हैं। मैं इसे